अभी मैं बनाने जा रही हूँ मंगोड़ी का सब्जी। तो ना यहाँ मैं ले रखी हूँ, ये मंगोड़ी जो है मार्केट से लाया हुआ है। तो वैसे तो ना मंगोड़ी मैं भी बना लेती हूँ घर में, और मैं मंगोड़ी ना मूंग दाल का बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैं नहीं बनाई। तो मैं आलू चने और मंगोड़ी का सब्जी बनाई हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं आलू छील लेती हूँ, और ना बच्चे सोए हैं, स्कूल नहीं गए बच्चे आज, इसलिए ना मैं आराम से खाना बना रही हूँ। और आलू छील ली हूँ, मैं आलू को काट लेती हूँ, और ज़्यादा आलू नहीं डालूँगी, केवल मैं 3 आलू डालूँगी और थोड़े से काले चने डालूँगी मैं। बच्चे का अभी तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, केवल मेरी बड़ी बेटी जो है स्कूल गई है, तो उसके लिए मैं सुबह ही पीले चावल बना दी थी लंच में। और यहाँ मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि मंगोड़ी आलू की सब्ज़ी ना थोड़ा सा मसाले वाली बनती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो मंगोड़ी का सब्ज़ी ना मैं कुकर में बनाऊँगी, तो यहाँ पर कुकर चढ़ा दी हूँ, और इसमें मैं डाल देती हूँ सरसों तेल। और मैं सब्ज़ी वगैरह कुछ भी ना सरसों तेल में ही बनाती हूँ, और मसाले वाली सब्ज़ी में ना थोड़ा तेल ज़्यादा रहता है, तभी अच्छा लगता है। मैं 2 सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, एक तो मंगोड़ी का सब्ज़ी बनाऊँगी, और ना थोड़ी सी भिंडी रखी है तो मैं उसको भी बनाऊँगी। तो तेल गरम हो गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज, और ये थोड़ा सा प्याज ना मैं रख लूँगी, इसको मसाले में पीसूँगी। तो प्याज अच्छे से फ्राई करके इसमें मैं डाल दूँगी आलू और चने। पहले आलू और चने को फ्राई करूँगी। वैसे ना मैं मंगोड़ी फ्राई करने वाली थी, पर मैं भूल गई। सब्जी फ्राई हो रही है, तब तक मैं मसाला पीस लेती हूँ। अदरक लहसुन थोड़ी सी प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लूँगी, और ना मैं दूसरे गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूँगी, तेल डाल दूँगी, गरम होता रहेगा, मंगोड़ी फ्राई करना है। और देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट भी बना ली, और सारे मसाले मैं डाल देती हूँ। कोई भी सब्ज़ी हो ना मैं इसी तरह से बनाती हूँ, पहले सब्ज़ी फ्राई करती हूँ तभी मैं मसाले डालती हूँ, उससे ना सब्ज़ी का स्वाद जो है अच्छा लगता है वैसे। और यहाँ पे जो मैं गरम मसाला पीस के रखी थी, तो वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ, डब्बा खोलते ही ना इसमें से खुशबू आने लगती है। और थोड़ा सा जार में मसाला लगा था, इसमें भी पानी डाल के मैं डाल दूँगी, और चला के ढक के धीमे आंच पे मसाले को भूनूँगी, जब तक इसमें से तेल अलग ना हो जाए। इतना मंगोड़ी में बचा के रख दी हूँ, एक बार और सब्ज़ी बन जाएगा। तो मंगोड़ी ना था तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो डालते ही ना मंगोड़ी लाल हो गई, तो मंगोड़ी जो है फ्राई हो गया। और इसी में से ना मैं डायरेक्ट कुकर में डाल दूँगी, ताकि मसाले ना इसके अंदर भी घुस जाएगा इस तरह से, अगर मैं डाल दूँगी तो। वो गरम मसाला डालने की वजह से ना जब मैं ढक्कन हटाई ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू आई सब्ज़ी से। तो सब्ज़ी भुन गई है, तेल अलग हो गया था, तो इसमें मैं डाल देती हूँ पानी, और ढक्कन लगा के 2 सीटी बजाएंगे, और बढ़िया से सब्ज़ी बन के तैयार हो। सब्ज़ी बन गई है, और ना यहाँ पे मैं भिंडी बना लेती हूँ, और अभी ना आप लोगों को मैं सब्ज़ी खोल के दिखाऊंगी, बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनी है। तो भिंडी में तो एक आलू डाल देती हूँ, क्योंकि आलू तो हमारे घर में मेन है, और नमक हल्दी डाल के भिंडी फ्राई कर लूँगी। और देखिए कितनी यम्मी सी सब्ज़ी बनी है, और मंगोड़ी जो है ना फूल के कितना बड़ा हो गया है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। अब खाने के बाद पता चलेगा वाकई में टेस्टी बना है या क्या। तो यहाँ पे भिंडी भी फ्राई हो गई है, और बच्चे उठ गए थे ना, तो मैं उन लोगों के लिए चाय बना देती हूँ। बच्चे ब्रश कर रहे हैं, और थोड़ी सी ना चाय मैं भी पी लूँगी। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। और एक खूबसूरत दिन की मैं शुरुआत कर रही हूँ, और अभी जो है ना 2 पहर के बज चुके हैं, एक बज गए हैं। और आज ना मेरे बच्चे जो है स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि रिया की भी तबीयत ख़राब हो रही है, और अर्णव को भी ना बुखार आ रहा है। 2-3 दिन हो गया दवाई दिला रही थी, आराम नहीं पड़ रहा था। तो अभी जो मैं गई थी थोड़ी देर पहले ना, ब्लड टेस्ट करा के आई हूँ उसका, और अभी रिपोर्ट शाम को आएगा। तो मैं भी अभी खाना नहीं खाई हूँ, क्योंकि बच्चों लोगों का ना तबीयत ऐसे ख़राब चल रहा है ना, एक तो मन भी नहीं कर रहा है। और जब से ये आँखों का फ्लू चला था ना, तब से हमारे घर में दवाई चल रहा है। 2 महीने हो गए करीब, अभी तक हमारे घर में जो है ना दवाई बंद नहीं हुआ है। कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी मैं बीमार, कभी बच्चे बीमार, ऐसे ही लगा है घर में। और क्या करें, हम ही ऐसा घर पे रहो ना तो ऐसा लगता है हम ही बीमार हो रहे हैं, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओ ना तब देखते हैं ना, डॉक्टरों के क्लिनिक में लाइन लगी हुई है, बच्चे बड़े सब बीमार हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है अभी। और अब मैं ना जितना मैं अपना जो सूट वगैरह रखी थी ना, तो मैं सोच रही ना अब सब इसको निकाल के एक एक करके पहनूँ, और जो पुराने सूट है ना उसको सब मैं रिजेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा कुछ कुछ कलर उड़ गए हैं और अच्छा नहीं लग रहा पहनने में। तो अभी मैं वही करने जा रही थी, निकाल के कौन सा सूट रिजेक्ट है। और हमें हमारे यहाँ पे जो है ना, तो ऐसे रद्दी वाले जैसे मतलब पुराने कपड़े खरीद बेच लेने वाले आ जाते हैं, तो उन्हीं को हम बेच देते हैं।
तो अभी मैं वही सब करने जा रही हूँ। और मैं उससे पहले मैं सोची थोड़ा सा खाना खा लूँ, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़ोरों की। क्योंकि सुबह ना मैं कुछ नहीं खाई हूँ, मैं केवल चाय पी थी और उसके साथ ना मैं एक रस ली थी, बस यही खाई हूँ और कुछ नहीं खाई हूँ सुबह से। पहले तो मैं एक पराठे लेके बैठी थी खाने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं करा खाने को। तो चलिए पहले खाना खा लेती हूँ, फिर ये सब काम मैं करती हूँ। खाना खाई उसके बाद ना मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ना बच्चों को बुखार तेज़ हो रखा था अर्णव को, तो मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। फिर मैंने कुछ नहीं करा, वीडियो वगैरह नहीं बनाया। फिर मैं आप लोग से सीधा मिलती हूँ नेक्स्ट डे। हेलो जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कल से नवरात्रि शुरू है, तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको ढेरी खुशियाँ दे। उसके बाद यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और मैं ना यहाँ पे क्रीम लगा रही हूँ। तो कोई भी क्रीम ख़त्म होता है तो मैं ऐसे फेंकती नहीं हूँ, उसको पटक पटक के क्रीम निकालती हूँ। फिर उसके बाद ना उसको काट के भी मैं निकालती हूँ, पूरे लगा के तब मैं फेंकती हूँ। ऐसे मैं कुछ भी नहीं फेंकती हूँ, क्या कंजूस हूँ ना बहुत, क्या करूँ, कंजूस बनना पड़ता है। कल से नवरात्रि शुरू है, तो आज जो है मुझे करनी है मंदिर की सफाई। तो यहाँ पे ना मैं ये वाली सूट पहनने वाली थी, पर ना इसमें गर्मी लग रहा था तो मैं इसको ना रख देती हूँ तय लगा के, और मैं ये वाली सूट डाल ली। तो इस साल की नवरात्रि जो है ना हमारे लिए बहुत शुभ है। माता रानी थोड़ी सी कृपा करी है हम पे और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मैं ना अभी आप लोग को इस वीडियो में नहीं बताऊँगी मैं क्यों खुश हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी। जब मेरा वो काम स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप लोग को बताऊंगी भी और दिखाऊंगी भी कि मैं क्यों खुश हूँ। हर एक हाउसवाइफ का सपना होता है और मेरा भी सपना है, शायद इस बार पूरा हो जाए। पूरा ना सही, थोड़ी भी पूरा हो जाए मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, तो आने वाली वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पे ना मंदिर मंदिर से ना मैं सारा मूर्ति हटा दी हूँ और ना मंदिर को मैं अच्छे से पोछ लेती हूँ। पहले मैं सूखा कपड़ा से पोछ ली हूँ, फिर उसको ना मैं गीले कपड़े से पोछ दी हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना इस बार जो है माता रानी के लिए नई चुन्नी भी ले आऊँ। तो अभी मैं जो है मंदिर साफ़ करके मैं जाऊँगी चुन्नी लेने। तो यहीं पास में मार्केट है छोटा सा, वहीं पे मिल जाएगा। तो फ़ोटो वगैरह भी मैं पोछ लेती हूँ, और अभी ना मैं सब कुछ ऐसे ही रख दूँगी। जब मैं नई चुन्नी लाऊँगी ना, फिर अपना मंदिर सजाऊँगी, तब आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो देखिए मैं इस तरह से रख दी हूँ। जब अब मैं जा रही हूँ चुन्नी लेने, जब मैं चुन्नी लेके आऊँगी ना तब मैं सजाऊँगी। फ़िलहाल के लिए मूर्ति भी मैं धो दी हूँ और सारा फ़ोटो भी मैं पोंछ दी हूँ। तो मैं आ गई हूँ मार्केट में और मेरे साथ ना अर्णब आया है। तो यहाँ पे एक अंकल जो है चुन्नी बेच रहे हैं, तो देख लेती हूँ, अगर पसंद आ जाएगा तो इधर से ही ले लूँगी। अंकल चुन्नी कैसे है? यहाँ पे नारियल दिए भी बिक रहे हैं, तो मुझे ये सब नहीं लेना है, मुझे केवल चुन्नी लेना है। तो मुझे ना यहाँ पसंद नहीं आया, तो मैं दूसरी जगह जाके देख लेती हूँ। मार्केट से मैं घर आ गई हूँ और मैं चुन्नी ले आई हूँ। तो मुझे चार चुन्नी की ज़रूरत थी, तो मैं चार चुन्नी लाई और एक छोटी चुन्नी ले आई और कुछ नहीं लाई। तो अब मैं चुन्नी लगा लेती हूँ और मंदिर को सजा देती हूँ। तो मंदिर सजाए वीडियो ना आप लोगों को कल का वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो होप आप लोगों को मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।